नवरात्रि में विशेष है महागौरी का ध्यान, शिव की शक्ति देती हो अष्टमी को वरदान। मन अपना एकाग्र कर नंदेश्वर को पाया, सुबह शाम के धूप से काली हो गई काया। सर्व कला संपूर्ण माँ साधना करो सफल, भूलो कभी न आपको ध्यान धरो पल पल। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज नवरात्रि के महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप माता महागौरी की पूजा की जाती है। माता महागौरी को सभी देवताओं की आराध्य देवी माना जाता है। इस दिन माता महागौरी की पूजा करने तथा कथा महिमा को सुनने से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता महागौरी भक्तों को सुख समृद्धि और आरोग्य प्रदान करती हैं। इस माता जी के समस्त वस्त्र और आभूषण आदि श्वेत हैं, इसीलिए इनका नाम श्वेतांबरा भी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। जो भक्त इनकी पूजा उपासना पूर्ण भक्ति भाव से करते हैं तो उस भक्त के समस्त पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। माता महागौरी की शक्ति अमोघ है। इनकी साधना से सभी कलुष धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माता महागौरी की पूजा करने से श्री गणेश जी की पूजा स्वतः हो जाती है। अतः माता महागौरी के साथ साथ भक्तों को श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और उनके सभी रुके कार्य पूर्ण होते हैं। विशेषकर स्त्रियों द्वारा माता महागौरी की पूजा करने से स्त्रियां सदा सुहागन होती हैं। संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी हर समस्या का निवारण होता है। माता महागौरी अपने इस आठवें स्वरूप में पूर्ण मानी जाती हैं, इसलिए यह महाअष्टमी का दिन बड़ा ही विशेष माना जाता है। देवी महागौरी अपने भक्तों को सदमार्ग पर ले जाती हैं। प्रिय भक्तगणों, संकल्प लेकर की गई इनकी पूजा आराधना से माँ प्रसन्न होकर सुंदरता, धन संपदा और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। इनकी कृपा से घर के भंडार सदैव अन्न से भरे रहते हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ महाअष्टमी के दिन सुनी जाने वाली माता महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। कथा को आधा अधूरा छोड़ने से माता रानी का निरादर होता है, पूरा सुनने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए माता रानी का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाधि साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। प्रिय भक्तगणों, देवी भागवत पुराण के अनुसार शुंभ और उसके छोटे भाई निशुंभ नामक दो असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं को पराजित करके इन असुरों ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को वहां से भगा दिया। स्वर्ग से निकलने के बाद देवता इधर उधर भटक रहे थे, दुखद स्थिति में थे। तब देवताओं को ध्यान आया कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद उन्हें वरदान दिया था कि जब भी आप लोगों के ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं तुम लोगों की सहायता करूंगी, तुम्हें उस दुख से उबारूंगी। इसके बाद सभी देवता हिमालय पर्वत के पास गंगा तट पर जाकर देवी माँ की स्तुति करने लगे। इधर भगवान शिव देवताओं का हाल जानते थे कि केवल माता पार्वती ही देवताओं को कष्ट से मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। अब भगवान शिव माता पार्वती से ये सब बातें कैसे कहें, क्योंकि देवी पार्वती अपने गृहस्थी में इतनी रम चुकी थी कि वे तो भूल ही चुकी थी कि वे माता पत्नी और गृहिणी होने के साथ साथ जगत जननी हैं, माँ अंबिका हैं। उन्हें सभी जगत का कल्याण करना है। अब इसके लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को व्यंग करते हुए कहा कि देवी, आज तो तुम काली की तरह लग रही हो, तुम्हारा गौर वर्ण कहाँ गया? जब से तुम काली का रूप धारण की थी तब से तुम्हारी काया धूमिल हो गई है। भगवान शिव के इस मजाक से देवी पार्वती नाराज हो गई और कहा कि आपने मुझे काली क्यों कहा? मैंने तो सोचा था कि आप मुझे हर रूप में प्रेम करते हैं, किंतु आज आपने मेरा उपहास किया। अब मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए माता पार्वती हिमालय पर तपस्या करने चले गई।
तपस्या भी उन्होंने भगवान शिव की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, तुम गंगा स्नान करके आओ, इससे तुमको गौर वर्ण प्राप्त होगा। प्रिय भक्तों, शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए एक तरह से भगवान शिव ने यह लीला रची थी। जब माता पार्वती गंगा स्नान कर रही थी, तभी सभी देवता भी आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं से पूछा कि आप सभी किसकी स्तुति कर रहे हैं और आप पर क्या विपता आई है। माता पार्वती के पूछने पर देवताओं ने शुंभ और निशुंभ के बारे में बताया कि असुरों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया है और तब से सभी देवता भटक रहे हैं। अब गंगा स्नान के दौरान माता पार्वती को गौर वर्ण प्राप्त हुआ और उनके शरीर से एक श्याम वर्ण की एक देवी प्रकट हुई जो कौशिकी देवी कहलाई। कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। अब माता पार्वती की आज्ञा अनुसार माता कौशिकी हिमालय के रमणीय क्षेत्र में चली गईं और वहां उन्होंने शुंभ और निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा, जहां देवी कौशिकी ने शुंभ और निशुंभ समेत उसकी पूरी सेना का अंत कर दिया। शुंभ व निशुंभ असुरों का अंत करने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि उनको काली कहकर व्यंग करने के पीछे का मकसद देवी कौशिकी का जन्म था, ताकि वह देवताओं की मदद कर सके और उनको फिर से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सके। बिना इस व्यंग के शुंभ और निशुंभ का वध संभव नहीं था। इस तरह माता पार्वती के शरीर से प्रकट होने के कारण देवी कौशिकी उनकी पुत्री कहलाई। देवी कौशिकी को उग्र तारा या महोग्र तारा कहा जाता है। वहीं अन्य कथा के अनुसार माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत होता है और माता पार्वती तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर पार्वती जी नहीं आती हैं, तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव जी उनके पास पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचते ही देवी पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है, उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंदन के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण प्रदान कर देते हैं और देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती हैं, तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी स्नेहमयी शांत और मृदुल दिखाई देती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्ध साधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। वही महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था, वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत ही दया आई और माँ उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों हैं। माँ दुर्गा का अष्टम स्वरूप महागौरी, महागौरी की चार भुजाएं हैं। इनकी दाएं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभता है। बाएं भुजा में डमरू डम डम बज रही है और नीचे वाली भुजा में देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती हैं। जो स्त्री इन देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उसके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। कुवारी कन्या माँ की पूजा करती हैं तो उससे योग्य वर प्राप्त होता है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उसके पापों को जला देती हैं और शुद्ध अंतःकरण देती हैं। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती हैं। इनका पूर्ण रूप गौर है, इसीलिए ये महागौरी कहलाती हैं। जय हो माता महागौरी। माता महागौरी इस महाअष्टमी व्रत को यह कथा पूर्ण करती है। इस कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, दक्षिण भारत के रामेश्वरम में समुद्र तट पर एक गांव था। उस गांव में रत्नाकर पंडित रह गए थे। पंडित रत्नाकर शिवजी और माता आदि शक्ति के बड़े भक्त थे।
उस गांव में पंडित रत्नाकर का मान सम्मान तो बहुत था, पर उनके कोई संतान न थी। पंडित रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ आदि शक्ति से संतान की मन्नत मांगती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन पंडित रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माता ने सुन ली। वह गर्भवती हो गई तो एक रात पंडित रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर में आ रही हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मैं जो कुछ करना चाहूँ तुम मुझे रोकोगे नहीं। पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया था कि माँ आदि शक्ति के सत रज और तम को दिखाने वाले तीन रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप लिया है। समय आया और माता की कृपा से इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। पंडित रत्नाकर को यह पता चल गया था कि यह कन्या माँ आदि शक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट की है। पंडित रत्नाकर उसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगे। तीनों महाशक्तियों के मिलन के उस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुटा नाम दिया। उस बच्ची का नाम रखा त्रिकुटा। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनोखा था। बचपन से ही वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर प्रसन्न होती थी। त्रिकुटा को यह पता चल गया था कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार ले लिया है। त्रिकुटा ने यह संकल्प ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेंगी, अन्यथा आजीवन कुवारी ही रहेंगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती हैं। शर्त के मुताबिक पंडित रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 वर्ष की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगी। वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। इसी तरह कठोर तपस्या करते करते त्रिकुटा को बहुत वर्ष बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वानर सेना लेकर सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुंचे। श्री राम को पुल बंध जाने तक वहां ठहरना था। भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्वनी ध्यानमग्न कन्या को देखकर बहुत चकित हुई। उस कन्या के तप से वह स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम उस कन्या के तपोस्थल तक पहुंचे। भगवान ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो देवी और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने को विवश हो? उस कन्या ने भगवान को नम्रतापूर्वक प्रणाम करके अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में दिया। फिर अपनी प्रतिज्ञा बताई। त्रिकुटा जान गई थी कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम जी ही खड़े हैं, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, यह संभव नहीं है। मैं एक ही पत्नी के संकल्प से बंधा हूँ। अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता को दंड देने के लिए यहाँ तक सेना सहित आया हूँ। त्रिकुटा को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। त्रिकुटा ने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने की पुनः याचना की। त्रिकुटा ने कहा, प्रभु, क्या मेरा यह तप व्यर्थ हो गया? मेरे तप में क्या वह शक्ति नहीं है कि आपको प्राप्त कर सकूं? मेरा तप अभी कम है तो मैं इसे और कठोर करूंगी और तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान श्री राम ने कहा कि जब मैं सीता का पता लगा कर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारे इस बात पर सही निर्णय करूंगा। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी ही प्रसन्नता हुई कि उनका तप सफल है। भगवान ने उन्हें वरण का एक आश्वासन दिया। अब उन्हें अपने स्वामी की प्रतीक्षा में सफल होना है। इस प्रसन्नता के भाव से भरकर त्रिकुटा का उत्साह और भी बढ़ गया। त्रिकुटा ने और कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटिया के आसपास का पूरा क्षेत्र एक अलग ही प्रकाश से प्रकाशमान होता था। अब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राजा बनाकर अपनी पत्नी, भाई और समस्त सेना के साथ वह अपनी अयोध्या नगरी लौटने की तैयारी करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी लंका विजय के बाद पुष्पक विमान पर सवार होकर लौट रहे थे। उन्हें त्रिकुटा का दिया हुआ अपना वचन भी पूरा करना था। रामेश्वरम के तट पर पहुंचते ही भगवान ने विमान रुकवा दिया। सभी आश्चर्य में पड़ गए।
तो प्रभु ने उन्हें कुछ पल की प्रतीक्षा करने को कहा। इसके बाद वह अकेले ही चल पड़े। सारी सेना भगवान की आज्ञा के अनुसार वही ठहर कर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री राम ने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया और देवी त्रिकुटा के पास पहुँचे। प्रभु उनके साथ थोड़ी देर तक रुके, पर त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। तब भगवान श्री राम अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने त्रिकुटा से कहा, देवी मैं आपको दिए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप इस परीक्षा में सफल नहीं हुई। वैसे भी इस जन्म में सीता से विवाह कर मैंने एक पतिव्रत का प्रण लिया है, इसीलिए तुम्हारे साथ विवाह तो असंभव ही था। देवी त्रिकुटा कुछ निराश हो गई। भगवान ने उनकी मनोस्थिति समझ ली और मधुर वचन में बोले, हे देवी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा यह संकल्प मैं पूरा करूंगा, लेकिन इस युग में तो मैं एक ही पत्नी व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ, लेकिन कलयुग में मैं जब कल्कि के रूप में अवतार लूंगा तब मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार लूंगा। तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकूट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे अवतार की प्रतीक्षा करो। भगवान श्री राम ने त्रिकुटा को वरदान देते हुए कहा, तुम भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। श्री विष्णु का अंश होने, उनके कुल में अवतार होने तथा विष्णु पूजन होने के नाते सारा संसार तुम्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजेगा। कलयुग में तुम्हारे लिए कुछ भी अध्यय नहीं होगा। जो भी भक्त भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे उन्हें तुम सर्वस्व प्रदान करोगी। भगवान श्री राम यह वरदान देकर चले गए। त्रिकुटा भगवान श्री राम से मिले इस वचन से अत्यंत ही प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु के आदेशानुसार संसार के कल्याण का संकल्प लिया। त्रिकुटा उत्तरी भारत के माणिक पर्वत श्रृंखला के तीन पहाड़ियों वाले त्रिकुट पर्वत पर तप के लिए आ गई। वहीं पर माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान है। भगवान श्री राम का वरदान होने के कारण वैष्णो देवी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, इसीलिए माता का स्वरूप कुवारी है। त्रिकुटा भगवान श्रीहरि के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो एक बार प्रेम से बोली, अम्बे मात की जय। जय हो अम्बे माँ, अपने सभी भक्तों की रक्षा करना, उन्हें सुख शांति समृद्धि प्रदान करना। प्रिय भक्तगणों, इसके साथ ही अब अन्न धन का भंडार भरने वाली माता अन्नपूर्णा की कथा का श्रवण करते हुए कथा का समापन करें। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लवे ज्ञान वैराग्य सिद्धांते भिक्षान देहि च पार्वती। प्राचीन काल की बात है, पुरुषोत्तमपुर नामक ग्राम में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनके पांच पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी और उसका नाम गौरी था। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी पांच पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई वह उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचारिणी गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन की बात है, जब सवा महीना हो गया तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गौरी अपने सासू माँ का पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना, रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को बनाना मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। अब देखिए, गौरी चार लोगों के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती है। जब अंत में खुद खाने के लिए बैठी तब वह देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। अब क्या करे, वह चावल दाल और सब्जी खाकर पानी पी लेती है। अब जब शाम होती है तब गौरी ने सुबह से ज़्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख देती है। जब रात्रि में सब लोग खा लेते हैं तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी, जब रोटी का डब्बा खोलती है
तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। यह देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उसने तो सुबह से भी ज़्यादा आटा लगाया था, लेकिन रोटियाँ बची ही नहीं। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसने कल से 2 गुना ज़्यादा आटा लगाया और रोटियाँ बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियाँ खत्म हो गई थी। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियाँ उसे नहीं बचती। यह हर रोज का काम हो गया था। वह सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियाँ नहीं खाऊं, मेरा पेट ना भरे। गौरी इस आस में आटा ज़्यादा गूंथती थी कि किसी न किसी दिन तो उसे रोटियाँ मिलेंगी, किंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा करते करते वह बहुत कमज़ोर, दुबली पतली हो गई। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वह रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सास ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। प्रिय भक्तों, सास ने आटा लगाया और फिर बहू को दे देती है। बहू रोटियां बनाकर तैयार कर देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की खाने की। तो वह बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है। वह सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंथा है, वो भी बहुत कम, आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। यह सोचकर बहू मन ही मन बहुत दुखी होती है। किंतु जब वह रोटी के डब्बे को खोलती है तो उसने देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी हैं। यह देखकर बहू बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सास ने आटा गूंथा और बहू रोटियां बनाती थी और बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7ों दिन बहू ने भर पेट खाना खाया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ भी ठीक हो गया था। तब सास ने कहा, गौरी क्या मैं आज आटा गूंथ दूँ या फिर तुम आटा गूंथ लोगी? गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, मेरा हाथ ठीक हो गया है, मैं आटा गूंथ दूंगी। प्रिय भक्तों, उस दिन गौरी ने आटा गूंथा और रोटियाँ बनाई, सबको खाना प्रेम पूर्वक खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तब उसने देखा कि रोटी के डब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरा रोटी खत्म हो गया है। यह देखकर बहू गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है। वे सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा गूंथा तब तक तो मुझे रोटियाँ मिलती थीं, लेकिन जब से मैं आटा गूंथने लगी तो मुझे रोटियाँ ही नहीं मिलती, जबकि सासू माँ मुझसे बहुत ही कम आटा गूंथा करती थी। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था, ऐसी क्या बात है? यह सारी बातें सोचकर गौरी बहुत ही परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, गौरी की पति ने गौरी से पूछा कि गौरी तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति तुम्हारा ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तुम अपने मन से अपने पसंद का भोजन बनाकर खा सकती हो, तुम दिन पर दिन इतनी कमज़ोर कैसे होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा कि शायद उसके पत्नी को उसके माता पिता की याद आ रही है, इसीलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है, मैं उसे उसके मायके ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटा यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपने पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका बहुत ही आवाभगत होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, पुत्री
तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तुम बहुत ही कमजोर दिख रही हो। क्या बात है, तुम्हें कौन सी बातें खाई जाती हैं? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हें दुख देते हैं? ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी यह दशा हो गई है? अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी हमें लगता है माँ अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई हैं। इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं तो कहूँगी कि तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपने सास और ससुर से बात करना, वही कुछ हल बताएंगे और तुम्हारे समस्या का समाधान होगा। बेटी माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती हैं उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वह सारी बातें अपने सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद वह अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी जब से मैंने रसोई संभाला है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटियाँ नहीं बचती। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ, किसी किसी दिन पानी पी के सो जाती हूँ, किसी किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ, रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं है। और माँ जी आपको याद है मेरा हाथ कटा था, तब आप उस समय आटा गूथा करती थी और वो भी बहुत कम मात्रा में, फिर भी मुझे रोटियाँ बचा करती थी और मैं भर पेट खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया, तब से मैं फिर से आटा गूंथने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मुझे फिर से रोटियां नहीं बचती, मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू ये शायद मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर गौरी को रसोई में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथती है। गूंथने के बाद उस गूंथे हुए आटे पर अपने उंगलियों के 5 छाप लगा देती है और कहती है, बहू यह माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ ये है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट ना सोए। बहू मैं तुम्हें ऐसा बताना भूल गई, आज से तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपना 5 छाप, 5 उंगलियों का छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगी और तुम कभी भी खाली पेट भूखे पेट नहीं सोओगी। यह बरकत का चिन्ह होता है। अब अपने सासू माँ की बात सुनकर बहू हर रोज आटा गूंथती और फिर उस पर अपने 5 अंगुलियों की छाप छोड़ देती और फिर रोटियाँ बनाती। अब बहू को भी हर रोज रोटियाँ मिलने लगी, वह पेट भर भोजन करने लगी और स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी, उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता और जो कोई मेहमान आता या कोई भी भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, उसे भी वह खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसे करने से उसके घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। प्रिय भक्तगणों, आटे को गूंथ कर उस पर 5 उंगलियों का छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। यह माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती हैं और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। घर का कोई भी सदस्य भूखे पेट नहीं सोता। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक यह परंपरा चली आ रही है। सभी माताएं बहनें अपने 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य ही लगाती हैं और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना और घर में अन्न धन की वर्षा करना। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।
नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। पहली प्रकृति देवी शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारी जग निर्मात्री, देख रूप बलिहारी मैं जाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, तीसरी चंद्र घंटा शांतिदायक, तीसरी चंद्र घंटा शांतिदायक, चौथी कुसमांडा जग की नायक, माँ के चरणों में शीस नवाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, पांचवें स्कंद माँ भाग्य की दाती, पांचवें स्कंद माँ भाग्य की दाती, छठी कात्यायनी तुष्टि दाती, ज्योत जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं, ज्योत जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, सातवें काल रात्रि शुभ फलदायक, सातवें काल रात्रि शुभ फलदायक, आठवीं महागौरी शक्तिदायक, महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं, महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नवी महामाई माँ सिद्धिधात्री, नवी महामाई माँ सिद्धिधात्री, नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्रि, नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्रि, दुर्गा पूजन का आनंद पाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। बोले अम्बे मात की जय, हर हर महादेव।